हाँ जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल? चलो जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन जो आपका पहला टेस्ट हुआ जनरल मीटिंग का, उसके ऊपर। देखो जी, इस डिस्कशन का उद्देश्य कहीं भी आपको आज प्रेजेंटेशन सिखाना नहीं है, क्योंकि वो मैं पहले भी डिफरेंट जो यूट्यूब पे वीडियो डली है उनके थ्रू बता चुका हूँ। इस टेस्ट का उद्देश्य ये देखना है कि क्या आप केस स्टडी को पहचान पा रहे हो और क्या केस स्टडी को ढंग से कंक्लूड कर पा रहे हो, बस ये उद्देश्य है। तो चलिए, तभी मैंने कहा कि एक एक लाइन में, तभी मैंने लिखा हुआ है कि एक एक लाइन में आंसर लिखना बस, और सेक्शन को पहचानना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, इन अ जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड द चेयरपर्सन डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द मिनट्स। मुकेश अ शेयर होल्डर कंटेंडिंग डेट द मिनट्स ऑफ द कंपनी मस्ट रिप्रेजेंट must contain the fair and the correct summary of the proceeding thereat. Decide whether the contention of Mukesh is maintainable under the provisions of the company Act 2013. Minutes की बात हो रही है, क्या minutes से chairperson को कुछ हटाने की power है? Yes, section 118 कहता है कि chairperson को अगर लगता है कि any matter is detrimental or defamatory to the company, तो he may exclude it. क्या chairperson के इस decision के खिलाफ member को appeal file करने का अधिकार है? मैं कहूँगा पहले था, अब नहीं है। तो यानी कि चेयरपर्सन की पावर एब्सोल्यूट पावर हो गई, जिसके खिलाफ अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो कौन जीतेगा? चेयरपर्सन। सेक्शन 118 को पूरा लिखो कि मिनट्स क्या होते हैं, यहाँ से शुरुआत करो, मिनट्स को कौन साइन करता है, चेयरपर्सन की पावर लिखो, और फिर लास्ट में कंक्लूड करो कि पावर ऑफ द चेयरमैन टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर इज एब्सोल्यूट इन नेचर, दस मेंबर दस अ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब पक्ष या जो दलील मेंबर रख रहा है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, इन एन एजीएम ऑफ द वृंदा लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल 80 मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय द प्रॉक्सी होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिमांडेड फॉर द पोल, द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड डेट ओनली द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन कैन डिमांड द पोल। क्या चेयरपर्सन तुम्हारा ये कहना कि केवल मेंबर पर्सनली पर्सन ही डिमांड कर सकते हैं पोल का, क्या सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि प्रॉक्सी को भी पोल की डिमांड करने का अधिकार है सेक्शन 109। तो सेक्शन 109 के अंदर एलिजिबिलिटी टू डिमांड पोल लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करके लिखेंगे कंटेंशन ऑफ द पार्ट कॉल्ड कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द चेयरपर्सन इज नॉट करेक्ट सिंस इवन द प्रॉक्सी इज एंटाइटल्ड टू डिमांड द पोल। दैट्स इट। ध्यान रखना, कॉन्क्लूजन छोटे से छोटा रखना, डिसीजन 2 या 3 मैक्सिमम लाइन से ज्यादा मत करना। क्वेश्चन नंबर 3, बेंसन लिमिटेड इश्यूड अ नोटिस विद एजेंडा फॉर द 9 बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द एजीएम। 2 बिजनेस वर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर साहू एंड मिस्टर प्रणव, 2 ये थे और 7 और थे। द चेयरपर्सन डिसाइडेड टू मूव ऑल द रेजोल्यूशन फॉर ऑल द 9 बिजनेस टूगेदर टू सेव द टाइम ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। एग्जामिन द वैलिडिटी। तो जो चेयरपर्सन साहब कर रहे हैं कि नो के नो एजेंडा एक साथ, क्या वो वैलिड है? द आंसर इज लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या नो एजेंडा एक साथ किए जा सकते हैं? हाँ, मगर एक जगह रिस्ट्रिक्शन 162 के अंदर मिलती है। सेक्शन 162 जो कि CA फाइनल के अंदर है, वो कहता है कि जब डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन एक साथ नहीं, अलग अलग जाने चाहिए। उसके लिए प्रावधान है कि अगर एक साथ भेजना चाहते हो तो मेंबर पहले, इसे मेंबर को प्रपोज किया जाएगा, जब सारे मेंबर अपनी कंसेंट दे देंगे तभी एक साथ रेजोल्यूशन प्रपोज किया जा सकता है, मगर अदरवाइज डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अलग अलग रेजोल्यूशन से होगा। ये बात सेक्शन 162 में लिखी गई है। द ओनली ओकेजन where the law specifically require a resolution to be moved separately is relating to the appointment of director at the general meeting of the public or private company where 2 or more director cannot be appointed as a director by a single resolution. ये section 162 की चर्चा है। section याद नहीं करना आपको, क्योंकि आपके syllabus में नहीं है, मैं तो style मार रहा हूँ। ठीक है, आगे। तो मैं कह सकता हूँ 9 business cannot be moved together, क्योंकि 2 business जो हैं वो तो separately लेने पड़ेंगे, उन 2 बिजनेस के अलावा बाकी सारे एक साथ ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेगा।
क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, मिस्टर पिंक हेल्ड 100 पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ द रेड लिमिटेड. द कंपनी आस्क्ड हिम टू पे द फाइनल कॉल मनी ऑन द शेयर्स. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ही वाज अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल मनी टू द कंपनी. एट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर द चेयरपर्सन डिसअलाउड हिम टू कास्ट हिज वोट ऑन द ग्राउंड दैट आर्टिकल डू नॉट परमिट अ शेयर होल्डर टू वोट इफ ही हैज नॉट पेड द कॉल ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम. आर्टिकल में मना है कि शेयर होल्डर ने अगर कॉल पे नहीं की तो वो वोट नहीं कर सकता. तो ये तो 106 में भी लिखा है. 106 रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर्स में. तो क्या मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 106 के ऊपर क्वेश्चन है? यस. तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे मेंबर ने कॉल पे नहीं की, अदर सम पे नहीं किया, लियन एक्सरसाइज हो गया, तो उसका वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट है. तो वही तो लिखा है. तो बिल्कुल सही है, वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द पोल द मेंबर हु अर्लियर डिमांडेड द पोल वांट टू विड्रॉ इट. तो पोल की डिमांड करने के बाद विड्रॉ कर सकते हो? लॉ में मना तो नहीं है, 109 तो अलाउ करता है. द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट वंस द पोल स्टार्टेड इट कैन नॉट बी विड्रॉन. गलत है. सेक्शन 109 में लिखा है कि पोल की डिमांड करने के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो. तो 109 का रेफरेंस लिखेंगे आप. चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स. द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ केएमपी लिमिटेड इज 17th of July 2016 एंड द डेट ऑफ द नोटिस ऑफ द एजीएम इज 25th of August 2016. अच्छा, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये है, एजीएम ये है. ओके. अकाउंटेंट ऑफ केएमपी लिमिटेड हैज एडवाइज द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बीओडी एंड द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द एजीएम शुड बी 45 days. ओके. इस अकाउंटेंट को हम लोगों से ज्यादा अक्कल होगी क्या? हम लोग जनरल मीटिंग के ऊपर एक्सपर्टाइज करके बैठ गए हैं, सारे प्रोविजन पढ़ चुके हैं. कहीं हमने ये पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के कितने दिन बाद एजीएम होनी चाहिए? नहीं, हमने तो ये पढ़ा है कि एजीएम से पहले 21 दिन का क्लियर डेज का नोटिस जाना चाहिए. कहीं ये फालतू की बात है तो पढ़ी नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के कितने दिन तक एजीएम हो जानी चाहिए? नो. फिर द डायरेक्टर हैव अप्रोच यू टू एडवाइज देम रिगार्डिंग द सेम इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट. तो क्या मैं कह सकता हूँ कहीं भी ऐसा मुद्दा नहीं लिखा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के कितने दिन बाद जनरल मीटिंग होनी चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ. बट ये जरूर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जनरल मीटिंग से 21 दिन का नोटिस जरूरी है. द आंसर इज यस. तो बस यही लिख के आना है आपको, और क्या. सर चार नंबर पर क्या लिखेंगे अगर ये आ जाए तो? बात तो बिल्कुल ठीक है. चार नंबर पे क्या आना चाहिए? मैं कह सकता हूं चार नंबर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा. एनुअल जनरल मीटिंग, अगर मैं आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि इतने अजीब अजीब पॉइंट बना के इसने क्वेश्चन दिया, मैं लिखूं क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम 96 में कब हो सकती है. एजीएम की डेट क्या है? फिर उसके बाद नोटिस अंडर सेक्शन 121 के बारे में लिखूंगा, सॉरी 101 के बारे में, कि 21 दिन का नोटिस जाना चाहिए. फिर ये प्रोविजन लिखूंगा कि कंपनी एक्ट में तो कहीं लिखा ही नहीं है भाई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और एजीएम के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं नंबर ऑफ डेज का. तो फिर ये पॉइंट लिख दूंगा, तो मेरी लेंथ मैनेज हो गई. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन. अ कंपनी वॉन्ट टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज विच रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट. सेक्शन 13 के अंदर ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज है तो वहां ऐसा चाहिए. बिल्कुल ठीक. रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज एजेंडा वॉज स्पेसिफाइड इन द एजेंडा कन्वीनिंग द मीटिंग along with the explanatory statement. However, the requirement to pass SR was not mentioned. Oh, अच्छे पॉइंट पे अटैक हुआ है, ध्यान रखना. जब जब
एसआर चाहिए होता है तो एसआर की रिक्वायरमेंट मेंशन होनी जरूरी है कि यहाँ एसआर चाहिए। अगर ये आपने मेंशन नहीं किया तो वो नोटिस इनवैलिड होगा। सेक्शन 114 कहता है कि अ रेजोल्यूशन शैल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस और अदर इन्फॉर्मेशन गिवन टू द मेंबर ऑफ द रेजोल्यूशन। तो यानी कि मैं ऊपर वाला नोटिस ही कह सकता हूँ इनवैलिड है, क्योंकि जब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो उसके बारे में मेंशन करना चाहिए कि इस एजेंडा के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए मेंशन करना जरूरी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एज एट 31st of March 2018 द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज 10 लाख डिवाइडेड इंटू 10 लाख है 1 करोड़ है 1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 10 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच ओके ऑफ दिस एच लिमिटेड इज होल्डिंग 6 लाख इक्विटी शेयर एंड 4 लाख इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय अदर्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ एच लिमिटेड एक तरीके से होल्डिंग कंपनी बन गई और एस लिमिटेड कौन बन गई? सब्सिडरी कंपनी। बिल्कुल ठीक। साइमल्टेनियसली एस लिमिटेड इज होल्डिंग 5% इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड आउट ऑफ विच 1 शेयर आर हेल्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर ऑफ एच लिमिटेड। अच्छा, तो एस लिमिटेड भी 5% शेयर होल्ड करती है जी एच लिमिटेड में, जिसमें से 1% तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है के रूप में है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एग्जामिन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। जितने एग्जिस्टिंग बैच वाले बच्चे हैं जो कि अगस्त 2019 में जिनका बैच शुरू हुआ है, उनको अभी ये कॉन्सेप्ट कराया नहीं है सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है? 3 एक्सेप्शन है, नॉर्मली नहीं होल्ड कर सकती, 3 एक्सेप्शन है जहां पे होल्ड कर सकती है। पहला, अगर सब्सिडरी ने ये शेयर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप लेने से पहले ले लिए थे। दूसरा, अगर सब्सिडरी ये शेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होल्ड कर रहा है। तीसरा, अगर सब्सिडरी ये शेयर ट्रस्ट के रूप में होल्ड कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैन एस लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर? एब्सोल्युटली नो। सबसे पहले सेक्शन 19 का रेफरेंस देंगे, उसके बाद एस लिमिटेड एच लिमिटेड के फर्दर शेयर एक्वायर कर सकते हो? नो। कैन एस लिमिटेड एक्सरसाइज द वोटिंग पावर एट द एजीएम ऑफ द एच लिमिटेड? वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1% शेयर्स, ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिए गए हैं। बाकी 4% के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि कब लिए गए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं पहले लिए गए होंगे, और अगर पहले लिए गए हैं तो उनके रिस्पेक्ट में वोटिंग पावर नहीं होगी। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो लिए गए हैं वहां पर वोटिंग पावर रहेगी। कैन एच लिमिटेड अलॉट और ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर टू एस लिमिटेड? नो। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट सेक्शन 19 पे आधारित थे। सेक्शन 19 पे बेस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के जनरल मीटिंग के टेस्ट में चार्ज का चैप्टर डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से करके जाएं। हालांकि मैंने अमेंडमेंट के लिए भी, अमेंडमेंट जो डॉक्यूमेंट दिया था वहां पे भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी, मगर मैं दोबारा से चाहता हूं कि आप एक बार रिकॉल कर लें अच्छे से। अगेन, जो एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे हैं उन्हें क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। जो अगस्त 2019 में जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मे अलाउ द कंपनी और होल्डर ऑफ अ चार्ज टू फाइल इंटीमेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज ऑन द पेमेंट ऑफ फी एन एडिशनल फी एज मे बी प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन गिवन ऑन द 1st of October 2009। मेरा पर्पस कहीं भी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं, मेरा पर्पस यहाँ पे क्या था? क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बताने का। तो जिसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था, हालांकि क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे मैंने लगा कि ये सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, मगर अब वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि मैं सेटिस्फेक्शन के क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, मैं चार्ज क्रिएशन के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया 2019, 2 नवंबर 2018 से बैक डेट से इसने इफेक्ट लिया है, क्योंकि पहले कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2018 था, खत्म हुआ। अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, वो भी खत्म हो गया क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहे थे। फिर सेकेंड ऑर्डिनेंस आया, तब जाके इफेक्ट में आया, और इफेक्टिव डेट इसकी 2 नवंबर 2018 है। ध्यान रखना, ये क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में मान के चलना है क्वेश्चन को, और आप देखेगा मैं अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट में भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए 30 दिन तक।
अगर 30 दिन तक क्रिएट नहीं हुआ तो अभी तक हम कहते थे 300 दिन तक, लॉ कहते नहीं, जब ये अमेंडमेंट एक्ट इफेक्ट हो गया यानी कि 2 नवंबर 2018 के बाद, ये डेट ध्यान रखना, कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ तो अगले 60 दिन तक हो जाना चाहिए विद एडिशनल फी। अगले 60 दिन में भी नहीं हुआ तो फिर एक और 60 दिन का मौका मिल रहा है विद द एड वेलोरम फीस, ये अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट में सबको डिस्कस कर रखा है। तो चाहता मैं ये था कि बस ये क्वेश्चन दिलो दिमाग में बसा लेना रजिस्टर, ये चार्ज के रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेक्शन 77। तो पहले था 30 दिन नहीं तो 300 दिन, अब क्या है 30 दिन नहीं तो 60 दिन। कहां से देखे जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज 30 दिन या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज 60 दिन, नहीं हुआ तो एडिशनल 60 दिन। ये 30 दिन प्रेस्क्राइब फी, ये 60 दिन तक एडिशनल फी, अगले 60 दिन एड वेलोरम फी। अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट देख लेना जिन्हें डेप्थ में डिस्कशन चाहिए, टेलीग्राम के पेज पे है आज भी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, सेक्शन 8 पे आधारित बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं जी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंट टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इंपार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फाइट ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग पायलट्स, एजुकेशन में आ रही है कंपनी। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर द चैरिटेबल पर्पज अंडर सेक्शन 8 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए कंपनी बना रहे हैं। एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व्ड एंड द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज अ यूजुअल प्रोसीजर अलाउ अंडर द कंपनीज एक्ट। एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर रिगार्डिंग द प्रोविजन कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर आपका उद्देश्य है कि हम सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं कुछ टाइम तक और उसके बाद उसकी सरप्लस जो एसेट्स होंगी उसे मेंबर में बांट देंगे, तो बेटा सेक्शन 8 कंपनी मत बनाना। क्योंकि अगर सेक्शन 8 कंपनी में आपका उद्देश्य डिविडेंड देना है, चाहे लिक्विडेशन पर या ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न, तो फिर आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती अपने मेंबर्स को, चाहे गोइंग कंसर्न में हो या लिक्विडेशन के बाद हो, तो आप नहीं बना सकते क्योंकि आपका उद्देश्य पहले से ही गलत है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर द प्रपोजल इज नॉट फीजिबल, सेक्शन 8 का रेफरेंस देंगे आप, सेक्शन 8 में ही लिखा है कि अगर डिविडेंड देना आपका उद्देश्य है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप सेक्शन 8 कंपनी मत बनाना। तो अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जो कहता है इफ अ मेंबर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु हैज कास्टेड हिज वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैन अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यस ही कैन, एंड चेंज हिज वोट सब्सिक्वेंटली, नो ही कैन नॉट, एंड कैन ही अपॉइंट अ प्रॉक्सी, वाई विल अपॉइंट अ प्रॉक्सी, वहां पे ना तो अब डिमांड ऑफ पोल करनी है इसने क्योंकि वोट ऑलरेडी डाल चुका है, ना पोल पे वोट डालना है, तो देर इज नो लॉजिक ऑफ अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी। ये रूल नंबर 20 के अंदर लिखा है। अब जब भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना सेक्शन 108 रेड विथ, अगर रूल नंबर याद नहीं है तो फिर कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, रूल नंबर 20 याद है तो सोने पे सुहागा। अच्छा क्वेश्चन था सेक्शन 108 पे आधारित। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 1 था जी। आज डिस्कशन फोरम आपकी ओपन हो जाएगी जहां पर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हो। अगले टेस्ट की तैयारी रखना, अगले टेस्ट में हम और ज्यादा क्वेश्चन डालने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो।